मुझसे संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत आज सिद्धार्थनगर जिले में हुई। 19 अक्टूबर से 17 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान को स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूर्वांचल के लिए अभिशाप कहे जाने वाले मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम के लिए यह अभियान काफी सहायक साबित हो रहा है। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत जिला चिकित्सालय के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में पहुँचे स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि जब से केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी सरकार बनी है, दिमाग बुखार की रोकथाम और इलाज के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किए गए हैं। साफ सफाई से लेकर इस बीमारी की जड़ में जाकर इसका इलाज खोजा गया है और उसी का नतीजा है कि योगी सरकार बनने के बाद मस्तिष्क ज्वर बीमारी में काफी कमी आई और अब हम खत्म होने के कगार पर हैं। सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की आज से शुरुआत हो रही है। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मी और आशाएं घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और इस खतरनाक बीमारी के लक्षण लोगों को बताकर यह सुनिश्चित कराएंगे कि अगर कोई भी लक्षण दिखे तो तत्काल उसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं। कार्यक्रम के बाद कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों को संचारी रोग से बचाव और साफ सफाई करने की शपथ दिलाई गई। देखिए सिद्धार्थनगर से अरुण शुक्ला की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। सर, विशेष संचारी अभियान जो शुरू हो रहा है, जाहिर है अभी फ्लड आके गया है, फ्लड के बाद की जो स्थिति है इसमें ये कितना आप देखिए कितना प्रशासन सतर्क है कि आज स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी अपने पड़ोस बस्ती जनपद से पूरे प्रदेश में विशेष संचारी पखवाड़ा या अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। उसी कड़ी में सिद्धार्थनगर में भी हमारे विधायक मेरी आई कि हम हमारे जिलाधिकारी प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज सीएमएस सीएमओ सभी लोग बड़े प्रतिबद्धता के साथ, क्योंकि आज हमने संकल्प भी लिया है कि हम जो जापानी इंसेफ्लाइटिस या एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम था उसको हम समूल समाप्त कर सके। इस दिशा में आज पूरे प्रदेश में इस तरह की वाटर बॉर्न डिजीज या वायरस की के लिए हम संकल्प ले रहे हैं और उसका उपाय हमारे यहाँ स्वच्छता है, साफ सफाई है। इसके लिए न केवल ये अभियान है बल्कि इसको गांव-गांव तक जन आंदोलन का स्वरूप देंगे कि लोगों में जागरूकता आए कि लोग साफ सफाई से रहें, अपने आसपास जल न जमा होने दें, मच्छर न हो, तो उस तरह के लोगों से जो जानलेवा बीमारियाँ होती हैं तो उससे उस अभियान में सफलता मिलेगी। और इसका फर्क पड़ा है जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, जो उन्होंने उपाय किया इस जेईज और एईएस की बीमारी से हजारों बच्चे हर साल मरते थे इस समय बरसात के दिनों में। सिद्धार्थनगर का अस्पताल हो या गोरखपुर मेडिकल कॉलेज, बच्चे एक एक बेड पर तीन तीन बच्चे रहते, लेकिन उन्होंने उपाय किया, लगातार सरकार ने उपाय किया, स्वास्थ्य विभाग ने, प्रशासन ने, कि आज हमने उस पर नियंत्रण पाया, चाहे जेई हो चाहे एईएस हो। हम लगता है कि जो पिछले तीन वर्षों से शुरू हुआ है, इस बार जो फिर ये विशेष संचारी पखवाड़ा शुरू हो रहा है, ये सिद्धार्थनगर के लोगों को जागरूक करेगा, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के बाद अभी भी तीसरी लहर की संभावनाएं हैं, तो लोगों में कोरोना प्रोटोकॉल भी, स्वच्छता भी, सफाई अभियान, इसको सब एक दूसरे के प्रति रखेंगे, मास्क लगाएंगे और लोगों से हाथ नहीं मिलाएंगे और अपना हाथ बार बार साबुन से धोएंगे, यही इस अभियान का लक्ष्य है।